जो पैगाम देना चाहता हूँ वो ये कि ये पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब का नाम था। हमने एक मिसाली इस्लामी फलाई रियासत बनना था और जो फलाई रियासत किसके तर्ज पे बनना था, जो सबसे पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक रियासत कायम की थी, उन असूलों पे हमने पाकिस्तान को खड़ा करना था। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो जो हमारा किबला होना चाहिए था 1947 में, हम उस रास्ते पे नहीं चले। और मेरा ये ईमान है कि अगर आज पाकिस्तान को वो इज्जत नहीं मिली दुनिया में, अगर पाकिस्तान का वो मुकाम दुनिया में नहीं हुआ जो होना चाहिए था, उसकी वजह ये थी कि जिस नज़रिए के तहत पाकिस्तान बना था उस नज़रिए पे हम नहीं चले। जो कौम अपने नज़रिए से हटती है वो कभी कामयाब नहीं होती। जो इंसान अपने नज़रिए से हटता है वो भटक जाता है। और हमारा नज़रिया मदीना की रियासत का नज़रिया था। उसमें दो सबसे अहम चीज़ें थी, एक इंसानियत फलाई रियासत, जिधर रियासत ने अपने कमज़ोर तबके की जिम्मेदारी लेनी थी, जिसको अंग्रेज़ी में वेलफेयर स्टेट कहते हैं, और दूसरा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म था कि जो कौम ताकतवर चोर को छोड़ देती है और कमज़ोर चोर को जेल में डालती है वो तबाह हो जाती है, यानी जिस कौम में इंसाफ नहीं होता वो तबाह हो जाती है। और उन्होंने फिर कहा कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करेगी तो उसको भी सजा मिलेगी, यानी कोई कानून से ऊपर नहीं है। ये दो सबसे बड़े असूल थे जो बुनियाद बने मदीना की रियासत में। और भी थे, मेरिटोक्रेसी थी, ख्वातीन को पहली दफा जायदाद में हक दिया गया, गुलामों को इंसानों की तरह हुक्म दिया रखने का, कोई किसी के अंदर सब इंसान हजरत आदम की औलाद बताया गया कि कोई भी रंग हो आपका, इस पर कोई इंसानों के अंदर फर्क नहीं है। और फिर रहमतुल आलमीन ने इंसानों को इकट्ठा किया, इंसानियत का पैगाम दिया कि सब इंसानों को तकसीम नहीं किया। और वो रियासत उसके ऊपर कई सदियों तक मुसलमानों ने दुनिया की इमामत की। आज मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो जिन असूलों पे उन्होंने मदीना की रियासत खड़ी की थी, आपको वो असूल वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं उन रियासतों में नज़र आते हैं। मैं सारी दुनिया गया हूँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड, स्कैंडिनेविया, इन मुल्कों में आप चले जाएं, आपको ज़्यादा इस्लाम नज़र आएगा। वो करीब है उनके मदीना की रियासत के असूलों पे। वहाँ इंसाफ भी है, वहाँ इंसानियत है, वहाँ फलाई रियासत है, वहाँ मेरिटोक्रेसी है, वह ख्वातीन को हकूक मिले हुए हैं, इंसानों में फ़र्क नहीं करते। और मुसलमान दुनिया में बड़े कम, 50 से ज़्यादा मुसलमान मुल्क है, बड़े कम मुसलमान मुल्कों में आपको वो मदीना की रियासत के असूल नज़र आएंगे। इसीलिए मैं इंशाल्लाह कल आगाज़ कर रहा हूँ रहमतुल आलमीन अथॉरिटी का, और सिर्फ मेरा मकसद ये है कि हम अब हमारे बच्चे बच्चे को समझ आए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम क्या था, सीरत नबी क्या थी, सबको पता चल जाए। अल्लाह किसी को ईमान देता या नहीं देता वो तो अल्लाह का तोहफा है, लेकिन हम अपनी रियासत जिम्मेदारी पूरी करें अपने इंसानों पे, अपने बच्चों पे,
उनको बताएं कि असल में उनकी सीरत क्या थी, उनका रास्ता क्या था। तो आज जो हम यहाँ जमा हुए हैं, इसका मकसद एक है कि हम उस फलाई रियासत के रास्ते पे चले जाएं। और उसके लिए मैं सबसे पहले तो आज अपनी कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ और FBR का भी कि उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इतना ज़्यादा हमने टैक्स इकट्ठा किया, हमने रिकॉर्ड टैक्स इकट्ठा किया पाकिस्तान में। और उसकी वजह से मैंने परसों, जबकि दुनिया में कीमतें ऊपर जा रही हैं तेल की, बिजली की, 5 रुपए यूनिट बिजली की कीमत कम कर दी है और 10 रुपए लीटर तेल और डीजल की कीमत कम कर दी है क्योंकि हमारे पास पैसा ज़्यादा आया है। तो मैं अपनी कौम को कहता हूँ कि आप जितना ज़्यादा टैक्स देंगे वो सारा टैक्स मैं लगाऊंगा अपने नीचे लोगों को ऊपर उठाने के लिए, लोगों के बोझ कम करने के लिए, महंगाई कम करने के लिए। ये मैं आपसे, मेरा वादा है, वो कहीं और पैसा नहीं जाएगा, वो सिर्फ आपके ऊपर लगेगा जिस तरह हमारा टैक्स बढ़ता जाएगा। अब ये मैं आज कामयाब पाकिस्तान का प्रोग्राम है, हमने 45 लाख खानदानों को इस प्रोग्राम में लेके आए हैं, 45 लाख खानदान। शुरू किया था हमने पख्तूनख्वा से और आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, फिर जो हमारे कमज़ोर इलाके पंजाब के साउथ पंजाब में और थरपाकर सिंध में, बलूचिस्तान में, लेकिन अब सारे पाकिस्तान में हम ये प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। जिस तरह अभी डॉक्टर अमजद ने कहा, और डॉक्टर अमजद मैं आपकी जितनी भी तारीफ़ करूँ वो कम है, आप वो इंसान हैं जो समझ गए हैं ज़िंदगी का मकसद कि अल्लाह तो उसको आखिरत में उसको नवाजता है जो इंसानियत के लिए कुछ करता है। तो आपने जो भी बताया कि इसका मकसद क्या है, हमारे जो 45 लाख ख़ानदान हैं जो सबसे नीचे हैं, एक घर में अगर शहर में है तो 5 लाख रुपया सूद के बगैर कर्ज़ा अपना कारोबार शुरू करने के लिए, अगर देहात में है तो 3.5 लाख सूद के बगैर कर्ज़ा किसान अपनी ज़मीन पे लगाए, और 20 लाख सूद के बगैर कर्ज़ा अपना घर बनाने के लिए। एक और फिर एक उसी ख़ानदान में अगर टेक्निकल एजुकेशन, एक फ़र्द को टेक्निकल एजुकेशन दे ताकि वो हुनर सीखे और अपने लिए कमा सके घर पे। और अब तो IT एक ऐसा शोबा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, आप 6 महीने 12 महीने में एक बच्चे को ट्रेन कर सकते हैं, वो IT सीख सकता है, प्रोफेशनल पैसे कमा सकता है। और अब तक हम जितना पैसा दे चुके हैं, मेरे ख्याल में 2.5 अरब है, हम जो आगे देने जा रहे हैं पैसा इंच दोनों अगले साल तक, वो 1000 अरब है, 1000 अरब रुपए के कर्जे देंगे यही 45 लाख खानदानों को, और फिर इसको बढ़ाते जाएंगे। मकसद ये है कि लोग खुद अपने पैर पे खड़े हों, हुनर सीखें, कारोबार करें। हुकूमत के पास तो कभी भी इतना पैसा नहीं आएगा कि नौकरियां सबको दे दे, 22 करोड़ आवाम है, हुकूमत के पास तो इतने वसाइल नहीं होंगे, तो लोगों को मदद कर रहे हैं कि वो अपने पैर पे खड़े हो सकें, अपना कारोबार हुनर सीख सकें, और किसानों के लिए ख़ास तौर पे कि सूद के बगैर कर्ज़े मिलें ताकि वो अपनी ज़मीन के ऊपर लगा सकें और अपनी आमदन बढ़ा सकें। और फिर सबसे बड़ी बात, घर, ये एक इंसान की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि मेरे अपनी छत हो, लेकिन हमारे मुल्क में इतना महंगा है घर बनाना, और बैंक अभी तक कर्ज़े ही नहीं देते थे छोटे लोगों को, तनख्वाहदार तबका, उनके पास कभी भी उनको कर्ज़े नहीं देते थे, पैसे वाले को कर्ज़े देते थे। तो उसका हुआ क्या कि सिर्फ पैसे वाले लोग घर बना सकते हैं, और हमारे यहाँ कच्ची आबादियाँ बढ़ती जा रही हैं, कराची में तकरीबन 40% कराची कच्ची आबादियाँ हो गया है, हर शहर में बढ़ती जा रही हैं, लाहौर में कच्ची आबादियाँ, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है अपना घर बनाने के लिए।
तो ये कोशिश, एक तो ये कि सबसे जो 45 लाख गरीब खानदान है उनको 20 लाख का सूद के बगैर कर्जा, और फिर हमने अब बैंकों को तैयार किया है। पहली दफा पाकिस्तान में बैंक अब तनख्वाहदार और उस तबका जो किराए के घर में रह रहा था उसी किराए के अंदर वो किस्तें दे के अपना घर ले सकता है। ये भी पाकिस्तान में पहली दफा। अब तक 55 अरब रुपए के कर्जे दिए गए हैं। अब तक 55 अरब रुपए के कर्जे कभी पाकिस्तान में तनख्वाहदार और निचले तबके को नहीं दिए गए थे, और ये आने वाले दिनों हर हफ्ते ये बढ़ते जा रहे हैं कर्जे, क्योंकि बैंकों ने पहली दफ़ा, हम उनको सब्सिडाइज कर रहे हैं, हम बैंकों की मदद कर रहे हैं, उनको पैसे दे के ताकि जो सूद ज़्यादा ना हो एक आम आदमी के लिए, तो गवर्नमेंट सब्सिडाइज कर रही है। तो इंशाल्लाह मेरी जो ख्वाब है कि हम वो जो सफ़र निकल गए हैं फलाई रियासत की तरफ, जिसमें जो सबसे बड़ा प्रोग्राम हमने किया, जिसमें मुझे अभी फख्र सबसे ज़्यादा है, वो है हेल्थ कार्ड। इस महीने के एंड तक सारे पंजाब के ख़ानदान के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। ये फिर से सुन लें, हेल्थ कार्ड क्या है? 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस हर पंजाब पख्तूनख्वा आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान बलूचिस्तान हर ख़ानदान के पास 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस होगी। ये नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल, किसी भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाके वो 10 लाख रुपए तक अपना इलाज करवा सकेंगे। अब तक आम लोग सिर्फ गवर्नमेंट के अस्पतालों में जाके अपना इलाज करवाते थे, और गवर्नमेंट के अस्पताल अगर आप बाहर चले जाएं बड़े शहरों से तो वहाँ बड़ा मुश्किल, कई दफ़ा डॉक्टर नहीं होते, नर्सें नहीं होती, इक्विपमेंट नहीं होती, तो वो बेचारे रुलते रुलते शहरों में आते हैं, शहरों में अस्पताल भरे हुए होते हैं, दो दो तीन तीन लोग बिस्तर पर होते हैं। तो ये जो हेल्थ कार्ड से अब क्या होगा? अब जो प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल है वो देहातों में जाके अस्पताल बनाएंगे, क्योंकि हर खानदान के पास अब पैसा आ गया है अपना इलाज करवाने के लिए। और इससे इंशाल्लाह जो मेरी एक हमेशा मैं समझता था कि सबसे बुरा और मुश्किल वक्त एक खानदान पे तब आता है जब एक घर में बीमारी हो, माँ बाप बीमार हों, बच्चे बीमार हों, और उनके पास पैसा ना हो इलाज करवाने का। इससे ज़्यादा एक घर में बेबसी का आलम नहीं होता। तो ये मेरा, मुझे जो सबसे बड़ी खुशी, अगर मुझे पूछें कि 3.5 साल में आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा खुशी मिली है, वो इसमें मिली है कि इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक सारे पाकिस्तान के ख़ानदानों के पास 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस आ जाएगी, किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। मैं आखिर में सारे जितने भी लोगों ने मिलकर ये कामयाब पाकिस्तान में, जितने भी इदारों ने, अखूबत, NRSP, सब ने जिन्होंने मिलकर यहाँ तक ये मुमकिन किया है, मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। और ये जो हमने शुरू किया है, ये रास्ता, ये वो ख्वाब है जो अल्लामा इकबाल ने सोचा था जब उन्होंने पाकिस्तान का तसव्वुर किया था, ये उस रास्ते पर इंशाल्लाह हम निकल गए हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अजमत का रास्ता है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।